الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر متفق عليه. मेरे भाइयों, अभी मैंने आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है जिसे अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ईमान वाले की मिसाल जो कुरान पाक पढ़ता है, तुरंजबीन की मिसाल है। तुरंजबीन एक मीठा और खुशबूदार फल होता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ने वाले मोमिन की मिसाल उस फल से दी कि जिसका खुशबू भी पाकीजा है और जिसकी लज्जत भी पाकीजा है, यानी वो साहब ईमान खुद अपने अंदर भी साहब ईमान है और कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ के गैरों को भी फायदा पहुंचता है, तो गोया लज्जत भी अच्छी है और खुशबू भी बेहतर और पाकीजा है। और वो साहब ईमान जो कुरान पाक को नहीं पढ़ता, कुरान पाक को नहीं पढ़ता, उसकी मिसाल खजूर की सी है कि उसमें कोई खुशबू तो नहीं है लेकिन उसकी लज्जत मीठी है। यानी वो साहब ईमान खुद अपने अंदर तो बहुत अच्छा है, ईमान लाया है, लेकिन कुरान पाक को पढ़ के दूसरों को फायदा नहीं पहुंचा पा रहा है, तो अपनी जात में बेहतर है लेकिन कुरान पाक ना पढ़ने की वजह से उसके अंदर खुशबू मौजूद नहीं है। इसलिए कुरान पाक पढ़ने वाला साहब ईमान कुरान पाक ना पढ़ने वाले से बेहतर है। तो जाहिर बात है कि जब कुरान पाक पढ़ने वाला साहब ईमान है, कुरान पाक को समझता है, कुरान पाक में गौर व फिक्र करता है, तो जो लोग उसके साथ बैठेंगे, जो उसके साथ उसके सोहबत में रहेंगे, तो उससे मुस्तफीद होंगे। जैसे कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में अच्छे साथी और बुरे साथी की मिसाल बयान करते हुए फरमाया कि अच्छे साथी की मिसाल ऐसे है कि जैसे कोई इत्र वाले के साथ बैठता है कि उसकी खुशबू से फायदा उठाता है। तो गोया सोहबत में बैठने से खुशबू या बदबू, ये इसकी ताबीर की जाती है, सोहबत की ताबीर की जाती है। तो कुरान पढ़ने वाला के ऐसा होता है कि उसके साथ जो भी बैठेगा कुरान पाक की तालीम पाएगा और उससे फायदा उठाएगा। उसके बाद में ये हो गई दो सूरतें, यानी आदमी या तो साहब ईमान होगा या साहब ईमान नहीं होगा, और या कुरान पढ़ने वाला होगा या कुरान पढ़ने वाला नहीं होगा। तो कुरान पढ़ने वाले साहब ईमान होंगे या ईमान जाहिर करने वाले होंगे, यानी मुनाफिकीन जो ईमान जाहिर करते हैं और कुरान पढ़ते हैं बजाहिर लेकिन दिल में वो ईमान नहीं रखते, और या फिर मुनाफिक भी होगा और कुरान नहीं भी पढ़ता होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मिसाल ये दी कि उस मुनाफिक की मिसाल जो कुरान पाक पढ़ता है फूल की तरह है, रेहान फूल की तरह है, कि उसमें खुशबू तो है लेकिन उसकी लज्जत नहायत कड़वी है, नहायत तल्ख है, इसलिए कि वह अपने अंदर खुब्स भरे हुए है, अगरचे कि कुरान पाक पढ़ता है तो उससे दूसरों को फायदा पहुंचता है, दूसरों को खुशबू उसकी मिलती है। और वो मुनाफिक जो कि कुरान पाक नहीं पढ़ता, उसकी मिसाल हंजला की सी है। हंजला एक निहायत ही तल्ख फल जिसको एलुआ कहते हैं, एलुआ की तरह है, हंजला की तरह है, कि वो उसमें कोई खैर नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा लहा रीह, उसमें किसी किस्म की खुशबू नहीं है, वतामुहा मुर, और उसकी लज्जत भी निहायत कड़वी है। तो गोया इस तरह से गोया कुरान के मामले में लोगों की पहले दो किस्में हैं, एक मोमिन और एक मुनाफिक,
फिर मोमिनों में दो तरह के अहले ईमान हैं, एक अहले ईमान जो कुरान पाक को पढ़ते हैं और एक वो जो कुरान पाक को नहीं पढ़ पाते। कुरान पाक के पढ़ने वाले मोमिन की मिसाल तुरंजबीन की सी है कि जिसमें खुशबू भी है और लज्जत भी, और कुरान पाक न पढ़ने वाले साहब ईमान की मिसाल खजूर की सी है कि लज्जत तो है लेकिन खुशबू नहीं। और मुनाफिक अगर है कुरान पाक पढ़ता है तो उसकी मिसाल उस फूल की सी है कि जिसमें लज्जत तो तलख है लेकिन खुशबू मौजूद है। और अगर मुनाफिक कुरान पाक नहीं पढ़ने वाला मुनाफिक है तो उसकी मिसाल हंजल की सी है कि उसमें कोई खुशबू नहीं और उसमें उसका जायका भी नहायत कड़वा और नहायत तलख है। अल्लाह ताला हमें साहब ईमान बनाए और उसके साथ में कुरान पाक की तिलावत की तौफीक से नवाजे, कुरान पाक पढ़ने समझने और उस पर अमल करने की तौफीक से नवाजे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला नबीना वसल्लम।